तो हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। इसमें मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, देखते हैं कि ये सक्सेस होता है कि नहीं। और ये जो कैपेसिटर है सब जो है ये अभी सही कंडीशन में है, लेकिन लुक में जो है ख़राब लग रहा है, यानी कि पुराना कैपेसिटर्स है, ठीक है। और सब बढ़िया है। और इसका मैं वैल्यू बताता हूँ कि इसका वैल्यू कितना है। और वैल्यू है इसका जो है, आप देख पा रहे हैं ये 35 वोल्ट का है और 2200 माइक्रोफेरेट का है, ठीक है। और इसको देखते हैं, ये भी मेरा जो है 4700 माइक्रोफेरेट का है, भी 25 वोल्ट का है ना। और ये भी इसे देखते हैं, ये भी मेरा जो है लगभग 3300 माइक्रोफेरेट का है, 25 वोल्ट का है। इसे देखते हैं, ये 6800 माइक्रोफेरेट का है, 6 वोल्ट का है। और ये 25 वोल्ट का है, 2200 माइक्रोफेरेट का है। इसे देखते हैं, ये है 2200 माइक्रोफेरेट, 25 वोल्ट लेंगे, 25 वोल्ट सभी है। माइक्रोफेरेट जो है वो भी 1000 से ऊपर है, इसी से ये वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए इसे जो है कनेक्शन कुछ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और इसको मैं बताता हूँ, ये हमारा नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इससे जो है सबको मैं सीरीज में नहीं करेंगे, पैरेलल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। सब नेगेटिव है जितना है, सब एक साइड, और पॉजिटिव जो है जित सब एक साइड, ठीक है। इस तरह नेगेटिव, इस तरह पॉजिटिव, ठीक है। और हो तो और भी दे सकते हो, ठीक है। तो गाइस, ठीक है, इसे जो है एक साइड में हम कनेक्ट कर देंगे, इसे भी एक साइड पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये वायर लेता हूँ, ठीक है, और इसे जो है दो भागों में कट कर देता हूँ, ले रहा हूँ इससे, ठीक है, ठीक है। तो गाइस, मैंने इसे कट कर दिए हैं, अब जो इसे कनेक्ट कर देंगे एक साइड, ठीक है। कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है, तो हम जो है इसे कुछ इसे होल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। होल करके जो है, और आपको दिखाते हैं। उससे पहले गाइस, मैं एक का पावर आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है इसे लूँगा सोलर सप्लाई, जो कि 12 वोल्ट का है, और मैं इसे कनेक्ट करूँगा ये पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव पे। तो गाइस, कुछ इस तरह से जो है बस इतना ही, ये हमारा चार्ज हो गया। अब चलिए इसे डिस्चार्ज करते हैं और आप देख पाएंगे इसका पावर, ठीक है। तो गाइस, आपने देखा कि इसका कितना ख़तरनाक इसमें जो है स्पार्क निकल रहा है। अब सोचो गाइस, सबको मैं जोड़ दूँ तो फिर इसका पावर कितना निकलेगा, ये भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। तो फटाक से मैं इसे जो है अब कनेक्ट कर लेते हैं वायर पे। तो गाइस, मैंने इस वायर पे जो है होल कर दिए हैं, ठीक है, इससे छीले नहीं है, इसे होल कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसे जो है आराम से इसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ भी इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और अगर आपसे इस तरह नहीं हो रहा तो आप इसे छील के जो है कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, सब देख पा रहे हैं कि मैंने इस वायर पे जो है सारे कैपेसिटर को जो है कनेक्ट कर लिए हैं, वो भी पैरेलल में, ठीक है। हमारे जो है ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ठीक है, और बिना छीले ही कर लिए हैं, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, इसे में। तो गाइस, मैंने इसे अच्छे से जो है कर दिए हैं कनेक्ट। अब जो है आप देख पा रहे हैं हमारा दो लेग है, और इधर से भी सेम। तो गाइस, इसमें हम देंगे 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये मेरा सोलर वायर है, ठीक है। और चलिए मैं इस तरह से जब इसे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, या फिर इधर कहीं से भी किधर भी दे सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ नेगेटिव है तो नेगेटिव वायर ही कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये रहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो सोलर वायर है, कुछ नहीं, बस ये हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेस्टिंग इसका दिखा देता हूँ, एक लेग निकालते हैं, इसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, अब इसे थोड़ा फोकस करना और देखिए। तो वैसे आप देख पा रहे हैं कितना ये स्पार्क कर रहा है ना, कितना मस्त,
तो इसी से जो होगा इसका जो है ये लेग भी कट जा रहा है ना। तो गाइस हो गया एक चीज़ लफड़ा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो आपके पास कैपेसिटर है आप देख पा रहे हैं थोड़ा ब्लास्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा ठीक है इसका लिक्विड निकल गया है। और यहाँ पे ये क्यों हुआ ये भी मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि ये जो हमारा कैपेसिटर है आप देख पा रहे हैं कि 6.3 वोल्ट का है और मैं यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई दिया हूँ ठीक है, और बाकी सब 25 वोल्ट का, इसलिए इसमें जो है ये लोड ले ले रहा है, ये लोड नहीं ले पाया, तो इसे मैं निकाल देता हूँ, इससे कोई बात नहीं ठीक है। यहाँ पे आप दूसरा कैपेसिटर भी ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से, मैंने इसे करें तो वैसे काफ़ी हीट हो गया है ठीक है, तो इसे मैं हटाता हूँ फेंकता हूँ, इसे कोई काम नहीं है और इससे भी मेरा हो जाएगा ठीक है। दे दिया हूँ, कोई भी मेरा कैपेसिटर हीट नहीं हो रहा है ठीक है, सब 25 वोल्ट का है, यानी कि ये लोड ले ले रहा है। अब देखते हैं, वाह तो बस उससे जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें है, क्योंकि मेरा 6 वोल्ट का जो था इसमें मेरा जो पावर थोड़ा अपनी तरफ खींच रहा था ठीक है वो, तो इसीलिए जो है अब देखो इससे जो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पार्क हो रहा है ठीक है, उससे ज़्यादा दो दो वायर जितना जो है से मतलब लेग जो है ये कट हो जा रहा है। और अब देख पा रहे हैं कि कितना मस्त ये हो रहा है, तो मैं इससे थोड़ा पावर कट कर देता हूँ ठीक है, मैंने पावर कट कर दिए हैं। और एक चीज़ में यहाँ पे जो है कनेक्ट करने वाले हैं, ये देख पा रहे हैं ये कुछ कॉपर का वायर है, ये कटेगा नहीं ठीक है, तो इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसमें ठीक है। तो हमारा नेगेटिव ये रहा, तो इसमें कनेक्ट कर देता हूँ ठीक है, नेगेटिव पे मैं इसे कनेक्ट कर दिया हूँ। और ये रहा इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे मैं कनेक्ट कर दूँगा, तो इससे ऊपर रहना चाहिए ठीक है। और जो ये माइक्रोफेरेड है इसे भी हाई रहेगा तभी उतना स्पार्क करेगा जितना रहेगा ठीक है। और गाइस इस तरह से मैं वायर पे कनेक्ट किए हैं ताकि अगर मैं और भी कुछ अगर मिल जाता है कैपेसिटर तो मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ 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 जितना चाहे मैं इसे ऐड कर सकता हूँ ठीक है। और गाइस ये निकलने वाला नहीं है ठीक है, बहुत ही हैवी है ठीक है। अब जो है मैं इसे टेस्ट करता हूँ और एक बार ठीक है, गाइस तुरंत जो है ये चार्ज हो जाता है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। अब देख पा रहे हैं इससे जो है आ रहा, ये लेग कटेगा नहीं ठीक है, ये हो गया। अब चलिए मैं करती हूँ, तो वैसे ये रहा ब्लेड ठीक है, और इसे मैं एक दूसरे से होल्डिंग करके देखता हूँ कि होल्डिंग होता है कि नहीं ठीक है। एक तरह का ये कैपेसिटर से होल्डिंग मशीन हमारा बन गया, अब देखते हैं कि इससे होता है कि नहीं। तो वैसे इस बार काफ़ी ज़्यादा था यार, तो थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ सेकंड ताकि हमारा जो है यहाँ पे पावर ले लेगा, लोड रह जाएगा है ना कुछ इस तरह से। तो गाइस आप देखो इतने में ही जो है हमारा ये ब्लेड सोल्डिंग हो चुका है, कुछ इधर से भी दे देते हैं एक दो बार, काफ़ी ज़्यादा हाई टॉल ठीक है, 2 3 और 4 ठीक है। तो गाइस अब देख पा रहे हैं हमारा ब्लेड जो है कितना मस्त यहाँ होल्डिंग हो चुका है, सक्सेसफुल रहा हमारा ये ठीक है। और इसे जो आप कर सकते हो घर पे ही खुद से, और हाँ एक चीज़ गाइस बच्चे इसे ट्राई ना करें ठीक है, बच्चे इसे ट्राई ना करें, और देखते हैं इसे हटा के कि हटता। तो गाइस अब तो पर ब्लेड में कितना इसे, लेकिन ये हट गया क्यों, क्योंकि गाइस ये कोई मेटल, ये मेटल है ठीक है, लेकिन ये ऐसा कोई मेटल नहीं है जो कि ये जो चिपक रहा है गाइस एक दूसरे का जो है ये मेटल अटैच हो जा रहा है ठीक है। और सोल्डिंग में जो होता है उसके लिए जो है वायर रहता है, सोल्डिंग वायर जो कि होल्डिंग करता है ठीक है। तो इससे जो गाइस हमारा बैटरी भी जो है इसे हम होल्डिंग कर सकते हैं ठीक है। अब जो गाइस मैं इसका पावर दिखाता हूँ कि ये कितना पावर निकल रहा है, जो कि करेंट नहीं लग रहा है लेकिन जो है इससे पावर कितना हाई निकल रहा है ये मैं आपको चेक करके अभी दिखाता हूँ ठीक है। तो गाइस मैं ले लिया हूँ मल्टीमीटर, मल्टीमीटर में हम आपको पहले डीसी वोल्ट दिखाएंगे,
जो कि 200 से ऊपर रखते हैं डीसी। ठीक है, तो अब जो हमें इसे पावर देते हैं, पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारे इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे देखना मल्टीमीटर पे, तो हमारा आप देख पाए यहाँ पे जो है 20 वोल्ट पे ना 17 वोल्ट 17 वोल्ट आ रहा है गाइस। ठीक है, देख पा रहे 17 वोल्ट। ठीक है, अब जो हम इसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, अब बस इसे खोल देते हैं। अब मैं इसका पावर चेक करता हूँ, इधर उधर से चेक करो चाहे इधर से, बात बराबर है। तो नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, और यहाँ पे गाइस आप पावर चेक करना, ध्यान देना पावर यहाँ पे। ठीक है, और मैं टच करूँगा, तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि 17 वोल्ट यहाँ आ रहा है। ठीक है, 200 में करूँगा तो 17 वोल्ट ही, और मैं अगर यहाँ एसी की बात करें 200 में, तो हमारा एसी वोल्ट गाइस, ये डीसी में नहीं, एसी में गाइस आप देख पा रहे हैं 37 वोल्ट आ रहा है, 37 वोल्ट 37 वोल्ट। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ शॉर्ट, इधर से करो चाहे उधर से करो, बात करो, तो ये हो गया डिस्चार्ज। तो गाइस इससे जो है बना सकते, तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।